हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में CFCT के ऊपर लेटेस्ट अपडेट जो आ रखा है उसको डिस्कस करने वाला हूँ। इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में क्या बताया गया है, उसमें जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के VC हैं PC जोशी सर, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के थ्रू क्या बता रखा है उसको डिस्कस करने वाला हूँ। जो भी उस आर्टिकल में दे रखा है उसको मैं 5 पॉइंट के थ्रू आप सबके सामने समराइज करूँगा। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि फ्यूचर में इसी तरह के आपको एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और एकेडमिक से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस है, शुरुआत में क्या रखा था। सबसे पहले उसमें अपडेट ये आ रखा था, जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें मेंशन ये करा गया था कि इंडिया की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके लिए कॉमन एंट्रेंस कंडक्ट कराया जाएगा, और हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी भी उसमें आता है तो सबके लिए कॉमन एंट्रेंस कंडक्ट कराया जाएगा जिसको CUCET के नाम से जाना जाएगा, उसमें ये बोला गया था। देन उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक अपडेट जारी किया था, वो भी ऑफिशियली बताया रखा था कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस है 2021 सेशन के लिए वो 50+50 वेटेज के आधार पे होगा। वो क्या है उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले जो 50% है, 50% बोर्ड का स्कोर लिया जाएगा, प्लस 50% जो CUCET का स्कोर है उसको लिया जाएगा, देन उसको कंबाइन किया जाएगा। ओके, इसमें ये बताया गया था। देन उसके बाद में जब 12वीं के पेपर कैंसिल हो गए तो उसके बाद में फिर से CUCET की बात आने लगी सामने कि CUCET होगा। देन उसके बाद में बहुत से आर्टिकल में ये भी बात बताई गई थी कि CUCET नहीं होगा, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस जो पहले होता था इस बार भी वही होगा, जो मेरिट बेस में होता था मेरिट बेस का कोर्स के लिए होगा, और जो एंट्रेंस के लिए होता था वो एंट्रेंस के लिए होगा। दैट मीन्स कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। कुछ दिन पहले एक आर्टिकल और बताया गया था उसमें कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि हमें CUCET को लेकर के कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो अभी क्या कह सकते हैं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस है जो पहले होता था डैट में जो मेरिट बेस पे जो कोर्सेज के लिए होता था वो ऐसे ही होगा, और जो एंट्रेंस के लिए होता था वो ऐसे ही होगा, डैट मीन्स कोई चेंजेस नहीं होगा। इसे 2 दिन बाद एक और अपडेट आ जाता है जिसमें CUCET को लेकर के कुछ चांसेस और बढ़ जाते हैं इस आर्टिकल के आने के बाद। तो इस वीडियो में जो मैं 5 बातें डिस्कस करने वाला हूं, पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, आप जाकर के उसको पढ़ भी सकते हैं आर्टिकल के थ्रू। तो सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं आप सभी को कि आप सबको जो भी आर्टिकल सामने आ रही है तो आपको आर्टिकल पे ब्लाइंडली बिलीव भी नहीं करना है कि नहीं CUCET इस बार से होगा कि नहीं होगा। हाँ, ये आपके सामने एक प्लस पॉइंट ये है कि जो 12वीं के पेपर है इस बार से नहीं हो रहा तो आप फ्री बैठे हो, तो अभी CUCET का जो एक्सपेक्टेड सिलेबस बताया गया है आप उसको पढ़ सकते हो। मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना रखा है, आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। तो आपको धीरे धीरे करके उसकी सिलेबस को कंप्लीट करना है। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने ये बोल रखा है कि हम चाहते हैं कि CUCET इस बारी से रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोसेस जो है एडमिशन का CUCET के थ्रू हो। सेकेंड पॉइंट उन्होंने ये बता रखा है कि इस बारी का जो एडमिशन प्रोसेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो सेप्टेम्बर तक डिले हो सकता है। और थर्ड पॉइंट उन्होंने ये बोल रखा है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस है उसके लिए हमने UGC को ऑलरेडी एक प्रपोजल भेज रखा है 50+50% के वेटेज वाले पर, जिसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। और फोर्थ पॉइंट ये बोला गया है कि जो CUCET में फाइनल डिसीजन है आने वाले 1 हफ्ते या फिर 10 दिनों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी यूनिवर्सिटीज़ है खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको दे दी जाएगी। दैट मीन्स जो भी क्रिस्टल एंड क्लियर उस पर डिसीजन है हमारे सामने 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर हमारे सामने आ जाएगा। जो लास्ट पॉइंट है उसमें यह बोला गया है कि अगर इस बार से CUCET कंडक्ट नहीं होता है खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के लिए, तो हमें 12th के जो बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद में जो 12th का नंबर है स्टूडेंट्स को उसको नॉर्मलाइज करने के लिए एक डिफरेंट मेथड को सोचना पड़ेगा कि स्टूडेंट के साथ पार्शियलिटी ना हो। ओवरऑल इस आर्टिकल में यही 5 पॉइंट गया है। तो आई होप आप सबको 5 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।